मतलब वो डिप्रेशन में जाके अभी वो रेज़्यूमे फाड़ रहा है, ये देखो सच में फाड़ दिया। तो आज कुछ ज्यादा ही मतलब प्रोफेशनल बन रहा हो, तो लोगों को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा, पर देखेंगे होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो अच्छा होगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, कॉलेज में प्लेसमेंट लग रही है, उसका पहला इंटरव्यू है। इसके पहले मैंने एक ही इंटरव्यू दिया था 2020 में, वो एनडीए का, वो 5 दिन का इंटरव्यू था, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे कि 5 दिन में क्या क्या होता था। तो आज देखेंगे कि कॉलेज प्लेसमेंट का इंटरव्यू कैसा होता है, मैं सिलेक्ट होता हूँ या नहीं। तो चलो, सर रस्ते और भी काम चालू है, पर मुझे भी सुबह ही पता चला ना है ना, इसलिए थोड़ा हम अभी डिमांड में, वो मेरा पैंट का पट्टा नहीं बस बैठ रहा है, वो कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है लेंगे और जाएंगे कॉलेज में, और ये शर्ट भी बदल देंगे हम, वाइट शर्ट है वो। तो विवेक आ रहा है, विवेक का वेट कर रहे हैं हम, पहला एक्सपीरियंस है ना, तो थोड़ी बहुत एंजाइटी वगैरह हो रही है, देखेंगे। हम आए मार्ट में, तो अभी वो बेल्ट लेंगे, विवेक भाई का लुक देखो, ये देखो अबे इन शर्ट का नहीं किया है तूने, पहले हमने सॉक्स ले लिया, ज्यादा कुछ किया नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। रट्टा क्या क्या मार के आए हो, एम्स वगैरह कुछ? रट्टा नहीं मारा, एम्स का जो सच है वो बताएंगे, देखते क्या होता है, सच होगा जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, लेना है तो ले लो वरना हम चले जाएंगे अपने रास्ते। बाबा। अभी हम फाइनली कॉलेज में पहुंच चुके हैं, ये एस वाई का बंदा है ना, ए, तो तुम नहीं आ रहे हो क्या इंटरव्यू के लिए? तुम नहीं आओगे? कौन सा इंटरव्यू? प्लेसमेंट वगैरह चल रहे हो ना, वो कपड़े में कोई देखेगा तो वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? जागे पर ही बेहोश हो जाएगा। तो हमने ये देखो, सौरभ तुम क्यों नहीं आ रहे हो? मालूम नहीं, सौरभ तो सिलेक्ट हो जाता है ना, तो मैं तो व्हाइट शर्ट पहन के आया हूँ। जय भाई, आप अभी से बंद छोड़ी हुई इंटरव्यू हम कुछ नहीं ऐसे देते। देखो आशीष भाई, वो ना है अमी सादा ले बिना, किधर आओ इधर बिना, इन्हें के तीन कंपनी में जॉब मिलने वाला है मुझे। हाँ, पैकेज कितना है? एक पहले का वो चिकासी का है वो 5 लाख है। हाँ, उसके नीप्रो का है वो 7.5 लाख का है। हाँ, हाँ। और बजाज वाला है तो 10 लाख का है। हाँ। तो तुम कौन सी चूज करोगे? हम वो अपनी गाउटी वाली कंपनी बजाज। हाँ, उसको इसको जाएगा, जिसको ज्वाइन करेगा सर्विस बजाज इस बेस। हाँ, जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी, केमिस्ट्री का वो फॉर्मूला पार्ट करके आई है, केमिस्ट्री क्या होती है? अरे मगर केमिस्ट्री का नहीं पूछेंगे ना, है ना विवेक? उधर वो ये नहीं, चेप वगैरह निकालना होता है तो वो निकालने के लिए नहीं, मगर ये बंदा अच्छा है, इसका 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 होना चाहिए, इसका बदली करने के लिए कैसा ऑयल चाहिए, फोर्टी चाहिए, रास्कल चाहिए, वो सब मुझे सब पता है। नहीं ये धोनी की कंपनी, धोनी की गाड़ी है ना होती है उसको, तो रांची से इधर लेके आता है मुझे ऑयल बदली करने के लिए। हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारा शॉप किधर है? कोई एड्रेस? हमारा खेत के बगल में है। हाँ, यूलूज में। हाँ, 5,000 एकड़ में फैला हुआ है। तुम अपना ही स्वार्थ नहीं देखोगे, दूसरों को भी बड़ा करना चाहते हो? आगे लेना चाहते हो? हाँ, ठीक है। हमारे देश ने हमें यही सिखाया। हाँ, बराबर, ठीक है, थैंक यू। हम पहले प्रथमेश अगला भी यहाँ पर, तुम्हें तो यूपीएससी देना चाहिए क्या? ये क्या छोटी मोटी कंपनी? अरे बगैसी का इंटरव्यू कसा असते? तेज बगैसी तो नहीं, तुम्हारा अभी मेंस है ना एमबीसी का, वो कब है? अलग कंपनी का चल रहा है, वो विप्रो कंपनी का, उधर कंपनी है वो विप्रो, और यहाँ पर निप्रो है ना। तो आज कुछ ज्यादा ही मतलब प्रोफेशनल बन रहा हो, तो लोगों को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा, पर देखेंगे होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो अच्छा होगा। अबे नहीं भाई, नहीं, इंटरव्यू के लिए आए हो क्या करने? इंटरव्यू कितने बजे चालू होगा? विनायक 9:30 डेढ़ बज चुका है अभी, तो कुछ नहीं, समोसा भी नहीं, कुछ नहीं खाने को, कुछ नहीं। हाँ, घर से भी खाना खा के आई थी नहीं, अब मिठाई खा के ही जाओगे तुम? अभी मिठाई मिलनी चाहिए ना इधर। हाँ, तुम्हारा तो सिलेक्शन होगा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, चेक मार के घर जाना पड़ेगा। ये देखो ये क्या साला बाहर से गए, ये तो आग लगाता है पूरे कॉलेज में हमारे। हाँ, ये देखो चुपता है, चुप के रहते हैं साला।
अबे थोड़े पढ़ाई लिखाई करो। पहला इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं। वो बजाज कंपनी क्या गाड़ियां बना रही है, इधर कुछ आती ही नहीं। वो लोग कुछ क्या क्या रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। क्या होता है हमारे हमारे घर में बजाज के सारा, हम इसको अभी बेचेंगे नहीं, इसको रखेंगे ना, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। भंगार पे, भंगार पे बेचेंगे साले इसको। महिना वर तुझ्या इथं गोट्यामध्ये येऊन पुढ काम करतो तू, 100 रुपये तुमचं चले 100 रुपये जास्त पैसे तू शेंजन 100 घेत नाही, माझ्याकडे दाखवत नाही तुझ्या खिशात। वेळ फुकटतो लावला आमचा सकाळी 9 वाजून काही ना नाश्ता नाही, चहा काय नाही दिलेला होता, शिव्या तोंडात निघाला लेत आमच्या। बरोबर आहे, आता देऊ शकत नाही ना, नको त्यांच्यातच राहणार आम्ही। बरोबर 4 पैसे 20 रुपये कशाला प्रेजेंट करके आया हूँ। थोड़ी कंपनी की जो कोई इन्फॉर्मेशन है वो रीड करके वो अच्छे से पढ़ के आया हूँ। मगर आपका ये बिजनेस है तो आप इंटरव्यू देने आए? घर वालों ने बोला है कि बाहर कुछ करो, थोड़ा जाके देखो, एक्सप्लोर करके देखो उसके लिए बिजनेस को आखिर में। प्रिपेयर तो कुछ अभी तक किया नहीं, देखेंगे आप, इतना इतना कुछ जरूरी नहीं है आपका इंटरव्यू, आगे आगे देखेंगे और इंटरव्यू बहुत सारे आने वाले हैं। तेजस और वो नहीं देंगे, वो और एजुकेशन करना चाहते हैं छत्रपति, वो और एजुकेशन करना चाहते हैं आगे 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 बहुत पढ़ना चाहते हैं। वो टॉपर है ना, टॉपर है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 2 hours later आप कोण आहे? ठीक आहे, काय करू आज इच्छा होती आपल्या इकडे तेच दिसत करायला। हे लागतो बजेट चाहिए ना, 2 बज चुके हैं तो अभी फाइनली चालू हो चुका है, देखेंगे। पर रोहित गया है अंदर, देखेंगे। ये 3 बज चुके हैं, हमारे पाउडर वगैरह सब निकल गए हैं। मेरा मुझे गुस्सा आ, ये देखो फाउंडेशन सब गया है, देखो सुबह से ऐसे थपा के आया, ऐसा थपा के वो इधर चुना डू चुना डू क्या हो गया बजाज में। 10.5 लाख रुपये पैकेजिंग का हर महीना सुबह बोल रहा था कि मैं नहीं दूंगा। और ये 17 साल देखो बोला था इस कंपनी बजाज कंपनी 7.5 लाख रुपये लोन लिया था हमारा अगले हफ्ते में, 100 रुपये काटू ना मतलब 100 रुपये। हाँ देखो 2:30 बज चुके हैं, 9:30 बजे आए थे, लगभग 6 घंटे हो चुके हैं अभी, 6 या 4-5 घंटे। मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा है, नौकरी देने वाला है, लेने वाला नहीं है, वो देने वाला है। इसलिए मैं सूरज के साथ पीछे खड़ा हूँ, हमारे भी कोई हो जाएगा, हमारा घर भी चल जाएगा, सुधारा हो जाएगा। सूरज का कौन सा बिजनेस, कौन सा है बिजनेस, कौन सा है? ये तो बिजनेस शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करता है। जिस दिन में पैसा डबल, माझा 100% आमचे परममित्र मान्य श्री हर्षद कोपाडेकर, चंद्रकांत कोपाडेकर साहेब, बरोबर आपला जो सहवास होता, आपला त्यांचा जो प्रवास होता 2-3 टेबलचा, तो त्यांनी ते व्यक्त करावा अशी माझी इच्छा आहे। सर बोल काय काय बोललो, सर म्हणजे बसा तुम्हाला कशात इंटरेस्ट आहे? सर म्हणजे तुम्हाला जे काम माझा क्वालिफिकेशन प्रमाणे आहे, तुम्ही आता जाता ना गुलाल बिलाल पोत घेऊन जावा, कापूर अगरबत्ती आपण नाही पाहिजे, म्हणजे आज आपल्याला 10 लाखाचं पॅकेज फिक्स आहे, फिक्स शुअर। म्हणजे बेरोजगार हे आपल्या आता भारताची प्रथा चालू आहे, ते आता बंद होणार आहे 100%। ये देखो ये सभी ये बंदे सिलेक्ट हो गए भी दिख रहा है। ये रिज्यूमे देखो बच्चों का, प्रश्न मित्र का होटल है, मैं फर्स्ट जाऊंगा ऐसे बोल रहे हो। ए नहीं विनायक तुम जाओ पहले, विनायक अभी वो
मतलब वो डिप्रेशन में जाके अभी वो रेस में फाड़ रहा है, ये देखो पैसे दे रहा है। अरे खरोबर, अबे ये क्या कर रहा है, सच में फाड़ दिया क्या? किधर के इंटरव्यू सटे जाता है, हाँ पा हो सकता है किधर के सिग्नेचर कर रहे हैं, प्लेसमेंट नक्की बापूराव जावा तुम्ही। तो देखो ये प्रणव अंदर आहे, फायनल आता 3 वाजल्यात आपण आज संदीप येणार नव्हता पण तो खुश होऊन आलाय तर बघू त्याला जॉब मिळेल। आम्हाला क्वेश्चन तरी काही विचारले खरं म्हणजे थोडा आजचा एक्सपिरियन्स थोडा म्हणजे काहीच झाला खरोबर, म्हणजे ज्यासाठी आपण साऊंड बसलो आणि का बोलून आलो, खूप अच्छा एक्सपिरियन्स था। काफी मुश्किल सवाल पूछे और उसके आंसर ढूंढते हुए मुझे बहुत ही परेशानी महसूस हुई। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ, तो मैं घर पहुंच चुका हूँ। तो एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था, उन्होंने सिर्फ बताया कि अपनी कंपनी कैसे, इंटरव्यू में रूम में जाके भी उन्होंने अपना ही प्रोडक्ट प्रमोशन किया कि हमारी कंपनी है वो है, आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन पूछ ले या डिफरेंशिएशन का कोई क्वेश्चन पूछ ले, वो ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ बताया कि हम हमारा रिज्यूमे आपका रख रहे हैं और हम आपको कल कॉल करेंगे, तो मुझे तो लग नहीं रहा वो कॉल करेंगे किसी को भी, देखेंगे किसी का लगता है। तो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था पर बहुत सारी चीज़ें रियलाइज हो चुकी है कि देखो कंपटीशन तो बहुत है जॉब के लिए इंडिया में अभी भी, कंट्रोल चाहे वो प्राइवेट ले लो या गवर्नमेंट ले लो। मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट, मतलब जॉब ही कर रहे हो तो गवर्नमेंट ही कर लो, मतलब प्राइवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्राइवेट में बहुत मतलब इंटरव्यू में ऐसे हाल है तो देखो काम के वक्त पे कैसे हाल होगे। तो एक्सपीरियंस मेरा तो कुछ अच्छा नहीं था, मैं बहुत एक्सपेक्ट करके गया था कि ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा, और वो मैं पूरा वाइट शर्ट पहन के उसका तो मुझे अलग ही दुख है कि बाकी सभी लोग मतलब फॉर्मल में आए थे, मुझे लगा वो फॉर्मल ही होता है, नहीं वो फॉर्मल ही होता है। मैं गया था मतलब अपने ड्रेस में आए थे, मैं थोड़ा ज़्यादा ओवर हो गया था और मेरा वो बेल्ट भी नहीं बैठ रहा था उस पैंट में, उस पैंट का हुक्स थोड़े छोटे छोटे, तो विनायक ने अपना बेल्ट मुझे दे दिया कि तुम पहन लो, तुम जच रहे हो थोड़ा, तुम्हारा तो हो जाएगा। मगर देखो एक्सपीरियंस तो बहुत, मुझे तो लग रहा है वो प्रमोशन के लिए आए थे सिर्फ अपनी कंपनी का, तो अगली बार से मैं भी थोड़ा रिसर्च करके जाऊंगा। एक्सपेक्ट मतलब 9 बजे बोल सके, 7 बजे तो इंटरव्यू ले लो, मगदा इंटरव्यू लो ना, इंटरव्यू टाइप को, मतलब बच्चे इतने 6-6, 7-7 घंटे रुक रहे हैं और आप आके सिर्फ बोलेंगे कि रिज्यूमे जमा कर दो और हम आपको कॉल करेंगे, दिस इज नॉट फेयर। तो एक्सपीरियंस थोड़ा गलत था, अलग था एनडीए के इंटरव्यू के मतलब कुछ मतलब 10% भी नहीं था। तो अगली बार देखेंगे हम, अभी और भी प्लेसमेंट आएंगे। तो अभी का एक्सपीरियंस कैसा था, आप कहाँ पर काम करते हो, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ, हमको भी पता चलेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है अभी बाकी इंडिया में। तो आज का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था मगर अच्छा था, जो जो एक्सपीरियंस मिलते जाएंगे, मैथ्स के स्टूडेंट है तो जो जो एक्सपीरियंस मिलते जाएंगे उसका आखिर में मुझे जाके मुझे लगता है इंटीग्रेशन मिलेगा सब जाके। तो वीडियो चला तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, मिलते जल्दी तब तक के लिए बाय।